वेलकम बैक गाइस। तो आज हम फिर से अनबॉक्सिंग करेंगे MSI का लैपटॉप है। इस बार तो MSI के लैपटॉप के मॉडल नंबर की बात करें तो ये है मॉडल 14B10MW। अब MSI सुन के आपको लगा रहेगा कि गेमिंग लैपटॉप रहेगा, गेमिंग लैपटॉप नहीं है ये, प्रोफेशनल यूज का लैपटॉप है। बॉक्स देख के आपको समझ में आ गया रहेगा ये प्रोफेशनल लैपटॉप स्टूडेंट्स के लिए या डेली ऑफिस वर्क के लिए रहेगा। अभी बात करते हैं इसके स्पेक्स की, इसके लुक्स की, और इसमें जो है वो क्यों है, जो नहीं है वो क्यों नहीं है। चलिए बढ़ते आगे। वो HP की आदत हो गई तो मैं भी अभी कटर ढूंढ रहा था, बट इधर अपन डायरेक्ट खोल सकते हैं। सो यहाँ पर ये है हमारा लैपटॉप। और एक चीज ऐसी है वो है हमारा एडेप्टर, और वही 60W का घिसा पिटा एडेप्टर, सॉरी 65W का घिसा पिटा एडेप्टर। अभी घिसा पिटा बोलने के इसमें मैंने गलत बता दिया। अब लैपटॉप देख सकते हैं यहाँ पर MSI की ब्रांडिंग है। ज्यादातर MSI के गेमिंग लैपटॉप हम देखते हैं लोगो रहता था उनका, बट यहाँ पर उन्होंने ब्रांडिंग दी है MSI। कलर की बात करें तो यार थोड़ा ग्रेइश या ब्लूइश बोल सकते हैं हम, मैं भी कंफ्यूज हो गया थोड़ा कलर में कौन सा है। बाकी लैपटॉप दिखने में एकदम स्लिम, थोड़ा सा साइज में भी छोटा दिख रहा है बाकी लैपटॉप से। अब बात करते हैं इसके स्पेक्स की, पूरे ओवरऑल लुक की, और ऑडियो और वीडियो क्वालिटी टेस्टिंग भी करेंगे हम। इसमें जो मेमोरी है SSD हम बोल सकते हैं वो है, उसकी भी टेस्टिंग करेंगे, आपको बेंचमार्क टेस्टिंग भी करके दिखाएंगे। चले तो अब इसके स्पेक्स की बात करें तो हमें इसमें इंटेल i5 10th जनरेशन 512GB SSD 8GB RAM, और इसमें ग्राफिक्स भी रहे हैं बट वो इंटेल का अल्ट्रा HD यानी USD ग्राफिक्स है, विंडोज 10 होम के साथ हमें आ रहा है। तो अब बात करते हैं इसके ओवरऑल लुक्स की, पोर्ट्स की और बाकी की चीजें जो मैंने बताई थी उनकी। चलिए तो अब लुक और बाकी ओवरऑल इसके मटेरियल की बात करें तो हमें इसमें थोड़ा हार्ड और अच्छा वाला प्लास्टिक दिखने मिल रहा है। अब इसी के ऊपर हम लोग अगर ये देखें फ्लेक्स, तो थोड़ा सा हल्का सा उसके फ्लेक्स है। अब ओवल की बात करें और इसके हिंजेस की, आप देख सकते हैं जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये हिंजेस को ऐसे सेट किया गया, मैं स्क्रीन ऊपर कर रहा हूँ तो हमारा कीबोर्ड भी हल्का सा ऊपर जाए, जैसे कि डेल में होते थे, डेल में भी ऐसे ही होता है जैसे MSI में इस बार इन्होंने दिया है। और कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड देख के मुझे अच्छा खासा गेमिंग लैपटॉप वाला फील आ रहा है, बट इसमें सिर्फ इन्होंने बैकलिट की बट दी है, बट RGB लाइटिंग्स वगैरह दिए नहीं है। ऑफकोर्स यार गेमिंग लैपटॉप नहीं है तो वो सब देगी नहीं। बाकी इसके ओवरऑल कलर लुक और इंटरनल ये स्क्रीन वगैरह की लुक में यार कमाल करता है। यहाँ पर भी आपको MSI का ही ब्रांडिंग दिखने आएगा, उसको लोगो दिया गया नहीं है। अब इसके पोर्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है। मैक्सिमम लैपटॉप हमने देखा था यहाँ पर इतने कॉर्नर में, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा आगे दिया है। आपको HDMI केबल, सी टाइप केबल, यहाँ पर सिम कार्ड स्लॉट है। अब इसके राइट साइड में बात करें तो यहाँ पर आपको USB स्लॉट्स मिल रहे हैं, यहाँ पर हेडफोन जैक है। अब बात करें इसके माउस पैड की तो माउस पैड भी काफ़ी अच्छा दिख के एकदम स्मूथ माउस पैड है। बाकी ओवरऑल मटेरियल की बात करें तो ओवरऑल मटेरियल भी काफ़ी अच्छे से चमक के दिख रहा है, एकदम शाइनी मटेरियल लग रहा है कलर की वजह से। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर वेंटिलेशन एकदम अलग सा डिज़ाइन दे के रखा है। आपके स्पीकर्स भी यहीं पर नीचे की तरफ ही है, आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसके ऑडियो वीडियो कैमरा और बेंचमार्क और SSD परफॉर्मेंस दर। चलिए तो गाइस अब इसके ऑडियो और वीडियो क्वालिटी की बात करें तो पहले हम बढ़ते हैं वीडियो क्वालिटी की तरफ। हमें इसमें मिला है 1080 पिक्सल्स का फुल HD डिस्प्ले, तो आप देख सकते हैं इसकी वीडियो क्वालिटी, कलर्स कितने अच्छे से दिख के आ रहे हैं, मतलब हर एक कलर, मतलब लास्ट टाइम जो हमें लैपटॉप्स किए थे उनके मुकाबले तो ये लैपटॉप का कलर डिस्प्ले इतना कुछ उभर के नहीं आ रहा है, बट फिर भी देखा जाए तो MSI ने प्रोफेशनल लोगों के लिए इतना अच्छा लैपटॉप दिया है तो कुछ तो बात होगी। प्राइसिंग हम लोग बाद में बात करेंगे, आपको लग रहा है प्राइसिंग बहुत ज्यादा रहेगी, आओगे उसके ऊपर भी आओगे। अब बढ़ते हैं इसके ऑडियो क्वालिटी की तरफ। चलिए आप देख सकते हैं मैंने ऑडियो फुल करके रखा है। अभी इसके स्पीकर्स नीचे है तो आपको ऑडियो क्वालिटी इतनी क्लियरली आएगी नहीं। तो पर्सनली मैं बात करो तो मुझे इसकी ऑडियो क्वालिटी कुछ खास लगी नहीं यार, मतलब स्पीकर नीचे है मैं समझ सकता हूँ बट फिर भी वो सुनने तो आना चाहिए कानों में। अभी आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे थे, आप तो आपको कैसे सुनाई दे रही है नहीं दे रही है, बट मुझे यहाँ पर भी सुनाई नहीं दे रही है इतनी वो लो वॉइस है। तो अब बात करते हैं इसके कैमरा क्वालिटी की तरफ।
और सिनेबेंच हम लोगों ने करके रखा है, टेस्टिंग वगैरह करके रखी है, तो उसका रिजल्ट मैं आपको बाद में बता दूंगा। चलिए तो कैमरा में जाने से पहले हम चेक करेंगे हमारे SSD का स्पीड स्कोर, जो हमने क्रिस्टल डिस्मार्क ये सॉफ्टवेयर से करके रखा है। आप देख सकते हैं स्कोर आपके सामने है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सिनेबेंच की तरफ, जो हमने स्कोरिंग करके रखा है। आप देख सकते हैं पॉइंट्स यहाँ पर, जो पिछले लैपटॉप हमने किए थे उनसे तो काफ़ी कम पॉइंट्स है इसके। वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये 10 जनरेशन तो पॉइंट ज़्यादा रहेंगे। सो कैमरा क्वालिटी की बात करें तो यार कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, कुछ आपका नॉर्मल सादा सादा दिख क्या रहा है सब, और पिक्सलेशन भी बहुत हो रहा है कैमरा में। तो अब बढ़ते हैं इसके प्राइसिंग की तरफ। चलिए सो इसके ओवरऑल लुक परफॉर्मेंस, इसका बेंचमार्क टेस्टिंग के बाद मैं आपको एक रिव्यू देना चाहता हूँ कि यार इतना कुछ खास लैपटॉप नहीं है। नहीं है अब कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो कुछ तो ड्रॉबैक्स रहेंगे, बट इसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स है। अब अगर आपको मालूम नहीं होगा कंज्यूमर प्रोडक्ट और कमर्शियल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, तो उसके लिए वीडियो हमने यूट्यूब पे डाली है, हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो इसका जो प्राइस है वो है ऑनलाइन 62,000, वही बात करें 61,990 है, बट राउंड फिगर 10 रुपये के लिए क्या ये करना। तो ये लेंस अच्छा, मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप HP में जाइए, आपको FQ 5111 आ जाता है विथ i5 12th जनरेशन डेडिकेटेड आईरिस ग्राफिक्स। अगर आपको HP नहीं लेना है तो आप डेल में भी जा सकते हो, डेल में भी आपको इंस्पिरियंस सीरीज आ जाता है विथ सेम स्पेक्स। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि यार MSI मत लेना, गजब बेइज्जती है। गेमिंग में ले रहे हो तो अलग बात है, पर ये प्रोडक्ट मत लेना। तो ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक शेयर करना। थैंक यू।